नमस्कार दोस्तों, जो है मेरे पास वन प्लस का 9 प्रो 5G वाला। दोस्तों इसमें एक नया अपडेट आ चुका है, तो आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये जो अपडेट है आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अपडेट में हमें क्या मिलता है और क्या दिक्कत आ सकती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना और स्किप करके मत जाना दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ सके कि ये जो अपडेट है हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट्स के बारे में बात करता हूँ। ये देखिए मेरा फ़ोन अभी अप टू डेट है, यानी मेरा जो भी अपडेट था मैंने कर लिया है, कल ही मैंने अपडेट किया है। तो इस अपडेट में हमें क्या मिलता है, आपके सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट हो गए मिलते हैं, जैसे बक्स वगैरह जो थे वो ठीक हो गए मिल जाएंगे, और सिक्योरिटी पेच लेवल दोस्तों हो चुका है आपका मई का। कैमरे में दोस्तों एक दो बक्स आ रहे थे वो भी फिक्स कर दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ डिस्प्ले में। और नेटवर्क प्रॉब्लम दोस्तों आ रही थी कि ठीक से नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे सिम के और वाईफाई के, दोस्तों वो भी फिक्स कर दिए गए हैं। और कुछ भी और दो चार बक्स और थे वो भी फिक्स कर दिए गए हैं। बट दोस्तों इसमें एक दिक्कत क्या आ रही है इस अपडेट को करने के बाद, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ इस अपडेट के साइज़ की। तो ये जो अपडेट है दोस्तों 550 MB के आसपास का है, 500 MB से ऊपर का ही अपडेट है ये। बट दोस्तों इस अपडेट को करने के बाद मेरे फ़ोन में दिक्कत ये आई है कि जो मेरी जो फ़ोन की जो बैटरी थी दोस्तों, वो पहले के मुताबिक थोड़ी एक्स्ट्रा ड्रेन हो रही है। यानी आप मान के चलिए मेरी बैटरी चल रही थी 5 घंटे, तो अब उसमें करीब 10 मिनट कम चलेगी, इतना मुझे इसमें जो एक बक्स दिख रहा है बैटरी को लेके, क्योंकि इन्होंने जो भी फिक्स किया है इस अपडेट में वो दोस्तों बैटरी को ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। जो भी इन्होंने सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं वो बैटरी को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है पहले के मुताबिक। तो जे एक मुझे इसमें इशू दिखाए, तो अगर आप करना चाहो इस अपडेट को कर सकते हो, वरना आप इसे स्किप कर सकते हो अगर आपका फोन ऑलरेडी स्मूथ चल रहा है। तो भाई ये बताना दोस्तों आपको इस वीडियो में, और इस अपडेट का साइज 550 MB से ऊपर का है, क्योंकि अभी यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, मैंने अपडेट कर लिया है तो जब मैंने किया था। दोस्तों आप देख लेना फोटो में, मैंने फोटो स्क्रीनशॉट लेके भेजा हुआ है जिसमें आपको साइज दिखा रहा होगा, इसका साइज कितना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।